अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जांपल, जो कि क्या है, अणु बम, परमाणु बम, एटम बम, परमाणु बम, जो कि किसका उदाहरण है हमारे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। फिर इसको समझ लेंगे हम। ठीक है, इसका बाहरी आउटर मोस्ट सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन का बाहरी सख्त आवरण है, आउटर मोस्ट बहुत सख्त आवरण है ये, आउटर मोस्ट खोल है इसका। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं यूरेनियम, इसके अंदर यूरेनियम को किसी धातु के अंदर पलट के रखते हैं, तो यूरेनियम है या प्लूटोनियम, जो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ कहीं हम एक विस्फोटक सामग्री रखते हैं TNT, ठीक है, विस्फोट करने के लिए जो TNT, जो आप विस्फोटक सामग्री वो यूज़ करते हैं। अब देखिए आपके, ये हमने सिर्फ इमेजिन करी है, ऐसा कुछ होता नहीं होगा, ये सिर्फ इमेजिनेशन, इसका मैंने डायग्राम बनाया है कि ये इस तरह से ये होगा। तो सबसे पहले हम जब एटम बम को स्टडी करा होगा, तो सबसे उसमें क्या लिया होगा, वही आपका समृद्धि यूरेनियम लिया होगा सोर्स के रूप में, या प्लूटोनियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी के जस्ट पीछे हम जो विस्फोटक सामग्री है TNT का यूज़ किया जाता है, फिर उसको हम एक ऐसे सख्त धातु के खोल के अंदर रखते हैं ताकि वो जल्दी से क्या हो, स्प्लिट ना हो। ठीक है, और उसके सेंटर पर हमने क्या रख दिया, न्यूट्रॉन्स रख दिए, न्यूट्रॉन्स का सोर्स रख दिया। अब हमने क्या करा, इसको सबसे पहले हमने इस TNT को, यानी कि जो सामान्य जो नॉर्मल जो हमारी विस्फोटक सामग्री, उसको विस्फोट कराया। ठीक है, उसको विस्फोट कराया यानी कि उसमें आग लगाई। तो विस्फोट कराने से क्या होंगे, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम यूरेनियम जो ले रहे हैं या प्लूटोनियम जो ले रहे हैं, वो 2 में भी लेते हैं, 3 में भी लेते हैं, 4 में भी, यानी कि आप किसी, मैंने तो इसमें यहाँ पर 4 पैकेट्स बनाए, जनरली 2-3 इतने पैकेट्स लेते हैं। अब वो जो पैकेट्स जो लिए हैं यूरेनियम के या प्लूटोनियम के, वो कैसे होने चाहिए, वो उनका जो मास है वो आपके क्रिटिकल मास से कम होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया था क्रिटिकल मास क्या है, आपका क्रांतिक द्रव्यमान, वो द्रव्यमान जिससे कम द्रव्यमान होने पर आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, फिशन प्रोसेस टेक प्लेस नहीं हो पाएगा। तो हमें जो ये पैकेट्स जो बनाए हैं 1, 2, 3, 4, वो ऐसे होने चाहिए जिनका जो मास है वो लेस देन होना चाहिए आपका किससे, क्रिटिकल मास से, सो डैट
रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल, ताकि हमारी रिएक्शन टेक प्लेस ना हो पाए, हमारी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमें इस तरह से इसको रखना है, इन इस सेंस में आपका क्या होगा, के भी लेस देन वन हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये जो पैकेट्स बनाने हैं उनका मास क्रिटिकल मास से कम रखना है, देन हमें विस्फोटक सामग्री में विस्फोट कराना है। जैसे ही हम विस्फोट कराते हैं, ये जो पैकेट्स हैं वो कहाँ, आपके अंदर सेंटर की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, और जैसे ही वो सेंटर की ओर बढ़ते चले ये मिक्स होने लगेंगे, मिक्स होने लगेंगे तो आपका मास क्या होगा, इस ग्रेटर देन हो जाएगा आप किससे, क्रिटिकल मास से। मास जैसे ही क्रिटिकल मास, आपका जो मास है वो क्रिटिकल मास से जैसे ही ज़्यादा हुआ और वो न्यूट्रॉन के ऊपर जैसे ही गिरे, आपकी क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और रिएक्शन स्टार्ट होते ही क्या होगा, आपके के इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा। इन द इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड होकर चलती जाएगी। अनकंट्रोल होने के बाद में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जस्ट वन माइक्रोसेकेंड में ही आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, बहुत सारी एनर्जी, और उसी समय जस्ट वन माइक्रोसेकेंड में ही 10^7 डिग्री टेम्परेचर इसमें बनने लग जाता है, 10^5 प्रेशर, उच्च प्रेशर यानी कि उच्च दाब और ताप इसमें जनरेट होने लग जाता है, और इतना दाब और ये जनरेट होता है कि बाद में जो बाहरी हमने जो सख्त आवरण बनाया वो भी क्या होता है, विस्फोट के रूप में बाहर फूटने लग जाता है, और आपकी जो इसके अंदर जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो सारी बाहर निकलने लग जाती है, और कुछ किलोमीटर तक आपका क्या होता है, बहुत सारा एरिया जो होता है वो सारा जलने लग जाता है। इसलिए हमारा जो एटम बम है बहुत विनाश करता है, क्योंकि ये कई किलोमीटर तक क्या करता है, सब चीज़ों को जला के रख देता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर प्रेशर और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, 10^26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की इसकी एनर्जी इसमें जनरेट होती है। तो इसलिए ये एटम बम जो है एक तो उदाहरण है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और एक विनाशकारी कार्यों के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। आगे बात समझ में, आपको वापस एक बार बता देती हूँ कि हमारे पर ये जो एटम बम है इसके अंदर हमने विस्फोटक सामग्री और समृद्ध यूरेनियम को लिया है, सेंटर पर हमने न्यूट्रॉन सोर्स को रखा है, और हमने जो समृद्ध यूरेनियम लिया है उसका जो पैकेट्स का जो मास है वो क्रिटिकल मास से कम रखा है ताकि हमारी चेन रिएक्शन नहीं हो पाए। देन हमने विस्फोटक सामग्री को विस्फोट कराया उसके अंदर, तो हमारे जो पैकेट्स हैं वो सेंटर की ओर बढ़ते हैं, और सेंटर की ओर बढ़ने पर उनमें क्या होता है, वो सारे मास मिक्स होने लगते हैं, जिससे उनका क्रिटिकल मास से उसका मास उनका ग्रेटर देन होने लगता है, और रिएक्शन देन ये न्यूट्रॉन्स पर गिरते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड फॉर्म में चली जाती है, और अनकंट्रोल्ड फॉर्म में जाते ही वन माइक्रोसेकेंड में ही आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना जनरेट होने लग जाता है, और इतनी एनर्जी जनरेट होने लग जाती है कि वो जो आपने जो होल जो आपने उसका बाहर का खोल बना, आउटर मोस्ट जो उसने उसका सरफेस बनाया वो भी क्या होता है, टूट जाता है, और विस्फोट के रूप में बाहर आपकी एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, जो कि कई किलोमीटर तक उस हर चीज़ को क्या करती है, जला के रख कर देती है। तो इसलिए एटम बम बहुत विनाशकारी कार्यों के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका किसका उदाहरण है, अनकंट्रोल सिचुएशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें एनर्जी कितनी जनरेट होती है। अब हमें जब एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है कि कितनी एनर्जी इससे निकल पाएगी, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा यूरेनियम लिया हमने, तो आपका 235 किलोग्राम यूरेनियम में नाभिक की संख्या कितनी हो जाएगी, अवोगाड्रो नंबर जितना होगा उतना ही, 1 किलोग्राम में कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 235। देन आपका पता है कि 1 नाभिक यानी कि 1 नाभिक यूरेनियम का है, विखंडन में जब विखंडित होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका एक में इतना होता है, तो आपके 1 किलोग्राम में जो नाभिक की संख्या कितनी आई है, ये आई है, तो इसमें कितने विखंडन से प्राप्त कितनी ऊर्जा होगी, ये इतना है इनटू 200। तो आप ये देखो कितना आया है,
एक किलोग्राम अगर आप यूरेनियम लेते हैं तो आपके कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 5.12 × 10^26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा है ये भी, है ना। एंड देन अगर आपको उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10^13 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके कि एक किलोग्राम यूरेनियम को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो 5.12 × 10^26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपको न्यूमेरिकल पर्पज से भी इसमें आ सकता है, इसलिए ये मैंने आपको बता दी कि आपके कैसे इसको चेंज करते हैं अपन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि हमारा जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, द्रव बूंद मॉडल, और आपका जो ये नाभिकीय विखंडन है उसमें क्या तुल्यता है, वो कैसे एक दूसरे के समतुल्य है, कैसे इक्विवेलेंट हम उन दोनों को एक दूसरे को मान सकते हैं। तो आप देखिए, जो हमारा द्रव है होती है, द्रव बूंद जो होती है वो क्या होती है, स्पैरिकल शेप की होती है, ठीक है। और हमने न्यूक्लियस को भी क्या माना है, स्पैरिकल शेप ही माना है। लेकिन जैसे जैसे आपकी द्रव बूंद क्या होती है, बढ़ती जाती है, बड़ी होने लगती है, तो उसका शेप कैसा बन जाता है, इलिप्टिकल शेप बन जाता है, दीर्घवृत्ताकार बन जाता है, इस रूप में बन जाता है ना। जैसे हमारी बूंद बड़ी होने लगती है, हमारा जो शेप होता है उसका, वो इस रूप में। तो हमारे भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो उनकी हैवी न्यूक्लियाई, उनका भी न्यूक्लियस क्या हो सकता है, इस डी इलिप्टिकल शेप का आ सकता है। अब वापस वो इस रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या इसकी सिचुएशन है, तो हम ये जानते हैं कि जैसे आपके लिक्विड ड्रॉप है तो उसमें आपके टू टाइप के फोर्स वर्क करते हैं। एक तो आपका फोर्स वर्क करता है कूलाम बल, और एक बल होता है आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या करता है, पृष्ठ तनाव उसकी सरफेस को कम से कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपके दो तरह के उस बूंद में वर्क करते हैं, दो तरह के बल। अब क्या होगा कि अगर आपका पृष्ठ तनाव कूलाम बल से अधिक हुआ, डैट मीन्स ये फोर्स इस कूलाम फोर्स से ज़्यादा हुआ सरफेस टेंशन, तो क्या होगा, आपकी द्रव बूंद वापस क्या होगी, स्फेरिकल शेप में ही लौट कर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियाई भी ऐसे ही होता है। बट अगर आपका कूलाम फोर्स इस पृष्ठ तनाव से ज़्यादा हुआ तो आपका जो ये इलिप्टिकल शेप है वो इस रूप में चेंज हो जाता है, डम्बल शेप में चेंज हो जाता है, डबल डम्बल्स, ठीक है। और जैसे जैसे वापस से कूलाम फोर्स बढ़ता जाता है, ये डम्बलाकार किस में चेंज हो जाता है, दो स्टेबल छोटी बूंद में कन्वर्ट हो जाती है, दो छोटी बूंद बन जाती है। तो सिमिलर प्रोसेस हमारे किसके लिए है, हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियर के लिए भी है, कि जैसे ही आपका कूलाम फोर्स जैसे वो अनस्टेबल होने लगते हैं, आपके क्या होते हैं, स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, फिशन करने के लिए, फिशन होता है उनके बीच में, और फिशन होने से क्या होंगे, एक अनस्टेबल न्यूक्लियर दो स्टेबल न्यूक्लियर में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे किसमें बताया था मैंने, बेरियम में, क्रिप्टॉन में चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, फिर स्टेबल न्यूक्लियर बन जाते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि द्रव बूंद और आपके जो नाभिकीय विखंडन है वो एक दूसरे के क्या है, द्रव बूंद मॉडल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, नाभिकीय विखंडन का सफलतापूर्वक आपको व्याख्या कर सकते हैं हम उसका। ये हमने क्या करी, द्रव बूंद मॉडल की मदद से नाभिकीय विखंडन की व्याख्या करी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि जो आपके जो आपकी रिएक्शंस होती हैं या आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन क्या क्या है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि जैसे आपका मॉडरेटर आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियर रिएक्टर अलग अलग बनते हैं। जैसे आपने न्यूट्रॉन कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन के लिए अलग न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा, आपके मिड वाला है तो अलग न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। आपके न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे किस पर्पज़ के लिए आपने बनाया है, यानी कि क्या आपने कोई पावर कंजम्पशन के लिए करा, यानी कि पावर बनेगी वहाँ पर जनरेट होगी, या आपने उसको रिसर्च के लिए यूज़ किया गया है। तो और फिर एक होता है ब्रीडर वाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रीडर, यानी कि आप दो कार्य एक साथ उससे करवा सकते हैं क्या, कि आप एक तो उससे कुछ बना भी रहे हैं एंड देन आप उसको यूज़ किसी और कार्य के लिए भी कर रहे हैं, तो ब्रीडर रिएक्टर भी होता है। तो हम अब जो नेक्स्ट जो सिचुएशन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कैसे उसको क्लासीफाई किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो रिएक्टर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा उसका है कि मॉडरेटर के आधार पर क्या होता है, यानी कि आपके जो आपने यूज़ कर रखे हैं मॉडरेटर, तो उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन। तो एक होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, किस आधार पर हो रहा है ये हमारे? तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर है कि आपका जो फ्यूल यूज किया है आपने एंड मॉडरेटर, यानी कि ईंधन और जो मंदक है उसके मिक्सचर पर, इनके मिक्सचर पर आपका ये क्या है क्लासिफिकेशन है कि फ्यूल और मॉडरेटर का जो मिक्सचर है उसके आधार पर आपके टू टाइप्स के, यानी कि इसके अंदर फ्यूल और इसके अंदर भी आपके क्या हैं टू टाइप्स के इसका क्लासिफिकेशन है। एक तो होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। समांगी में क्या होता है होमोजीनियस में कि जो आप ईंधन यूज़ करते हो, जैसे आपने यूरेनियम यूज़ किया है और आप जो मंदक जैसे आपने ग्रेफाइट यूज़ करा है, तो उन दोनों का जो मिश्रण लेंगे वो इक्वल क्वांटिटी में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो दोनों की जो क्वांटिटी है मिक्सचर ऑफ द मॉडरेटर एंड फ्यूल आर इन इक्वल क्वांटिटी में बनाते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो इक्वल क्वांटिटी में बनता है। हेट्रोजीनियस विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी में आप क्या करते हैं, जो आपका फ्यूल है उसको आप किसी सिलेंड्रिकल शेप वाले कंटेनर में रखते हैं या फिर किसी रोड में रखते हैं और रोड के ऊपर आप क्या करते हैं उसको मंदक के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये बना लिया कैडमियम, कैडमियम के यूरेनियम, यूरेनियम को सिलेंड्रिकल रूप में बना के इसके ऊपर आपने क्या कर दिया मंदक चढ़ा दिया, ग्रेफाइट के रूप में इसको चढ़ा दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल क्वांटिटी नहीं है, ये सिलेंड्रिकल शेप में इसको रखा है आपने, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया ग्रेफाइट की लेयर चढ़ा दी। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिक्सचर। तो आपके ज़्यादातर जो हम रिएक्टर्स बनाते हैं वो विषमांगी ही बनता है, हेट्रोजीनियस ही बनता है, होमोजीनियस कम यूज में करते हैं। नेक्स्ट जो होगा आपका क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वो होता है कि न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर, ठीक है। तो विखंडन करने वाले जो न्यूट्रॉन है उनकी ऊर्जा क्या, तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें भी आपके थ्री टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं थर्मल, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है फास्ट। थर्मल यानी ऊष्मीय, इंटरमीडिएट मध्यावस्था और फास्ट यानी तीव्रगामी, ठीक है। तो आपके न्यूट्रॉन की ऊर्जा, न्यूट्रॉन की किस तरह की ऊर्जा और किस तरह का उसमें रिएक्टर बन सकते हैं, हर रिएक्टर के लिए आपको एक तरह की न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि हमें जो रिएक्टर किसी और काम के लिए, कोई ऐसा काम के लिए चाहिए जिसके में न्यूट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो, तो उसके लिए न्यूट्रॉन जो रिएक्टर्स हैं वो अलग टाइप के बनता है। हमें चाहिए कि हमारे जो न्यूट्रॉन है हमारे पास में एनर्जी इतनी अवेलेबल नहीं है, इतने ही न्यूट्रॉन हमें इसी एनर्जी के अवेलेबल मिल पाएंगे, तो फिर हमें उसके लिए अलग ही रिएक्टर बनाना पड़ेगा। तो जो थर्मल रिएक्टर होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंतर्गत होती है, यानी कि जो थर्मल रिएक्टर बनेंगे उसके लिए जो आपको न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है फिशन रिएक्शन कराने के लिए ओनली 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही आवश्यकता होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपके हो जाएगा 1 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, अगर आपके पास में एनर्जी वाले न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं या हमें उस प्रोसेस में इतनी एनर्जी वाले न्यूट्रॉन चाहिए होंगे, तो फिर हम इंटरमीडिएट वाला क्या बनाएंगे रिएक्टर बनाएंगे जिसमें आपकी एनर्जी न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी 1 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और फास्ट वाले में
फास्ट वाले में ग्रेटर देन हो जाएगी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लमसम, यानी कि जिसकी जिन न्यूट्रॉन की जो आपकी एनर्जी है वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, तब हम फास्ट रिएक्टर का ही यूज़ करते हैं, उसके लिए फास्ट रिएक्टर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पर्पस, किस पर्पस के लिए आप इसको बना रहे हैं। अब पर्पस के अकॉर्डिंग यानी कि कार्य क्षमता, कार्य निष्पादन के आकार आधार पर, कार्य निष्पादन के आधार पर, कार्य निष्पादन के आधार पर हम इसको जो रिएक्टर्स हैं वो 3 टाइप्स के बनते हैं। एक तो रिसर्च यानी कि अनुसंधान के रूप में, एक प्लूटोनियम उत्पादन में, और एक आपके पावर स्टेशन के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगर रिसर्च अनुसंधान में क्या यूज़ किया जाता है। अनुसंधान का मतलब ये है कि हम सिर्फ उस पर रिसर्च की जाए या हम कोई चीज़ उसमें बना सकें। ठीक है, तो वो अनुसंधान में उसको यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इसके जो हम जो क्षमता जो इसका वर्किंग प्रोसेस उसको बहुत कम कर देते हैं, तो एनर्जी भी जो इसमें रिलीज़ होती है वो बहुत कम मात्रा में हमें मिल पाती है। अब ये जो रिसर्च वाले हैं उनमें भी आपके बहुत सारे टाइप्स हो गए कि रिसर्च में किस अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग से ये रिएक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान में आपको समझ में आ गया कि हम किसी तत्व पर अगर हम रिसर्च कर रहे हों तो क्या आगे इसका कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस हो सकता है, तो उसका रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें न्यूट्रॉन या उसके जो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स बनाने के लिए भी इनका रिसर्च में इनका यूज़ किया जाता है। तो मेनली इसका किसके लिए, न्यूट्रॉन्स और आइसोटोप के लिए इनका, उन पर जो आपको रिसर्च करनी हो तो उसके लिए इन रिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले है इसमें ग्रेफाइट मंजित अनुसंधान। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टर बनता है उसमें जो आप मॉडरेटर यूज़ करते हो वो कौन सा यूज़ करते हो, ग्रेफाइट वाला ही यूज़ करते हो, यानी कि जो मॉडरेटर है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट का। जल बॉयलर, इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा जो आपका जो नॉर्मल जो वाटर होता है उसको आप क्या करते हैं, आपके जो समृद्ध यूरेनियम है इन दोनों को आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हो, मिश्रण बनाते हो, और वो मिश्रण ही आपका क्या करता है, आपके मॉडरेटर का काम करता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, जल बॉयलर में जल और आपका जो यूरेनियम है इन दोनों का जो कंसनट्रेट करके हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो सॉल्यूशन ही आप क्या करते हो, एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल बॉयलर रिसर्च रिएक्टर। नेक्स्ट है तरणताल। तरणताल पता ही है कि जैसे आपने किसी गहरे पानी में कोई चीज़ डुबाना है, वो गहरा पानी हो कहीं, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे आपका जो मॉडरेटर है, आपका जो फ्यूल है, आप इनको और आपकी जो नियंत्रक छड़े हैं इनको एक किसी पैकेट में या किसी में कंटेनर में रख के आप क्या करते हैं, गहरे पानी के अंदर उसको डुबो दिया जाता है। अब जब डुबो रहे हैं और उसको फिर हम हिलाते नहीं हैं, तो गहरे उसमें पानी में डुबा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तरणताल। अब आपका जो वो वाटर होगा, जो गहरा पानी होगा, वही आपका क्या शीतलक का भी काम करेगा और वही आपका क्या करेगा, शील्ड का भी काम करेगा। तो रिसर्च में हम इसका मेनली यही यूज़ है कि गहरे पानी में आपने क्या करा, आपके जो तीनों जो पार्ट्स थे, फ्यूल था, मॉडरेटर था और आपकी जो छड़ें थी, उनको एक कंटेनर में रख के आपने गहरे पानी में उसके अंदर डुबो दिया, तो आपका जो वो वाटर है वो बिहेव कैसे कर रहा है, एज अ कूलेंट भी बिहेव कर रहा है और एज अ शील्ड भी बिहेव कर रहा है। तो ये इस तरह का रिसर्च रिएक्टर होता है। हल्का पानी मंदित, हल्का पानी में भी जैसे तरणताल वाली चीज़ होती है वैसे ही ये भी होती है। इसमें भी आपने वही सब तीनों को एक बॉक्स के अंदर रख के आपने एक पानी के अंदर ही डुबो दिया है, और पानी जो पानी है वही आपके एक तरह से क्या कर रहा है, उसका मंदक का कार्य कर रहा है, एक तरह से आपके वही कूलेंट का वर्क करता है। तो दोनों सेम है, बट इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारी पानी, भारी पानी में भी वही है कि आपने जो कूलेंट है वो जो कूलेंट है उसका यूज़
उसमें किसको यूज़ किया है आपने, भारी पानी को यूज़ किया है। तो ये सब आपके अनुसंधान में अलग अलग टाइप के आपके रिसर्चर्स अलग अलग रिएक्टर्स को यूज़ करते हैं फॉर द आइसोटोप बनाने, न्यूट्रॉन की स्टडी करने के लिए। और इसमें जो आपके जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि इसमें जो प्रचालन क्षमता है वो हम बहुत कम रखते हैं, इसलिए एनर्जी भी इसमें क्या होती है, कम रिलीज होती है। नेक्स्ट है आपका प्लूटोनियम प्रोडक्शन, यानी कि आपका प्लूटोनियम के उत्पादन में किया जाता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे ये प्लूटोनियम भी एक तरीके से क्या है, इसका विखंडन हो जाता है, विखंडनशील पदार्थ है। तो प्लूटोनियम के निर्माण के लिए भी हम जो रिएक्टर बनाते हैं वो क्या कहलाता है, पर्पस क्या है, प्लूटोनियम निर्माण के लिए आपका रिएक्टर बनता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपका जो यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 आप लोगों को पता ही है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यूरेनियम 238 का हम ऐसी रिएक्शन करा देते हैं कि हमें नेक्स्ट जो प्लूटोनियम है, जो विखंडनशील पदार्थ है जिसका आसानी से विखंडन हो जाता है, इसका तो विखंडन होता नहीं है क्योंकि इसके लिए एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास में ये बहुत चीज़ अवेलेबल है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसी रिएक्शन कराते हैं कि हमें ये यूरेनियम से क्या मिल जाता है, प्लूटोनियम मिल जाता है। इसकी रिएक्शन अभी मैं लिख देती हूँ कि हमारे यूरेनियम कैसे प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है। तो आपने ये देख ली रिएक्शन कि हमने क्या करा, प्लूटोनियम निर्माण के लिए यूरेनियम का किसके साथ रिएक्शन करा, न्यूट्रॉन के साथ। तो वो किस में बन गया, 92 यूरेनियम 239 में, देन इलेक्ट्रॉन तो नेपच्यून में बन गया, देन आपका किस में लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो क्या बना, प्लूटोनियम वापस आपका बन जाता है। तो यूरेनियम 238 से हमने क्या बना दिया, प्लूटोनियम बना दिया, क्योंकि प्लूटोनियम भी एक विखंडनशील पदार्थ है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्लूटोनियम हमारे पास ज़्यादा तो मिलता नहीं है, तो हमने यूरेनियम जो हमारे पास में ज़्यादा था उसको प्लूटोनियम में चेंज कर दिया। तो ये हमारा पर्पस है, इसके लिए भी हमारा क्या है, रिएक्टर बनता है। नेक्स्ट है आपका पावर स्टेशन के रूप में, पावर स्टेशन का मतलब यानी कि वही आपके बिजली बनाने के रूप में। तो बिजली बनाने के लिए भी आपके अलग अलग तरह के रिएक्टर्स बनते हैं पावर में भी। कोई पावर स्टेशन कितने वॉट का बना रहा है, कोई पावर स्टेशन कितना वॉट का बना रहा है, तो उस अकॉर्डिंग इस पावर स्टेशन के भी आपके क्या है, क्लासिफिकेशन है कि कोई 6 वॉट तक बना रहा है, कोई 60 वॉट तक। तो अलग अलग तरह के पावर स्टेशन के लिए अलग अलग तरह के आपके क्या होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ब्रीडर, प्रजनक कहते हैं जिसे। प्रजनक में क्या होता है आपके ब्रीडर रिएक्टर में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रजनक में आप दो कार्य एक साथ कराते हैं, यानी कि आप दो कार्य एक साथ अगर किसी से लेना है, कोई रिएक्टर ऐसा बनाना है जिसमें आप एनर्जी पावर भी ले सकते हैं एंड देन आप उसको किसी के उत्पादन में भी यूज़ किया जाता है, तो उस तरह के जो रिएक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर में क्या हो जाएगा कि आप प्लूटोनियम का भी निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं एंड नेक्स्ट आप पावर भी उससे जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्टर को हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, जिससे हम दोहरे कार्य के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो ये प्रजनक रिएक्टर हो गया। तो आपको इसमें ये समझ में आ गया कि आपके ये परिवर्तन क्या है, कि इस ब्रीडर में आपके क्या होगा, आपके जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 238 तो बहुत है, लेकिन इसको एनर्जेटिक न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में एनर्जेटिक न्यूट्रॉन तो होते नहीं हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं एंड देन इसका ऐसा रिएक्शन होता है कि ये लास्ट में जाके हमें एक विखंडनशील पदार्थ दे देता है, प्लूटोनियम दे देता है। इसलिए इसमें क्या होता है, प्रजनक होता है, बढ़ते जाते हैं। जैसे आपने यूरेनियम 235 है, जब आपने इनका फिशन रिएक्शन करवाया तो आपके क्या होंगे, आपके जो बेरियम है, प्लूटोनियम है, ये ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में हमें मिलते जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, हम U38, U33 ये हमारे पास में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और ये ऊष्मीय जो आपके थर्मल जो न्यूट्रॉन है उनसे विखंडित भी नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन के साथ क्रिया करके आपको इस तरह का प्रोडक्ट दे देते हैं कि वो ऊष्मीय न्यूट्रॉन से क्या होते हैं, विखंडित होते हैं। और इस रिएक्शन में आपको पता चल ही रहा है कि आपके पहले ये बहुत मात्रा में है, बस इसने क्या करा, न्यूट्रॉन से रिएक्ट करा है, अभिक्रिया करी है, देन हमें क्या मिल गया, प्लूटोनियम मिल गया।
ऐसे थोरियम की भी यही चीज़ें। तो हम जो ये प्लूटोनियम ये यूरेनियम जो है इनको उर्वर पदार्थ बोलते हैं, फर्टाइल मटेरियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जो आगे जाके ऊष्मीय पदार्थ से विखंडित हो जाते हैं। तो प्लूटोनियम क्या होगा, वापिस ऊष्मीय न्यूट्रॉन से विखंडित हो जाएंगे, बट ये नहीं हो पाए, लेकिन उसने न्यूट्रॉन से रिएक्ट करके हमें प्लूटोनियम दे दिया, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फर्टाइल मटीरियल बोलते हैं, उर्वर पदार्थ बोलते हैं। तो उर्वर पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसा मटीरियल जो आपके थर्मल न्यूट्रॉन से विखंडित तो नहीं हो पाते हैं, बट क्या होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के साथ आपके रिएक्ट करके हमें विखंडन योग्य पदार्थ में बदल के दे देता है। और हमें चाहिए भी यही होता है, जैसे प्लूटोनियम चाहिए होता है हमें और यूरेनियम 235 चाहिए होता है, क्योंकि ये ऊष्मीय न्यूट्रॉन से रिएक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फर्टाइल मटीरियल बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रजनन में यही इसका सिद्धांत है कि हमें आपके जो ऊष्मीय पदार्थ ऊष्मीय न्यूट्रॉन से आपके जो विखंडनशील पदार्थ में बदलने का। ठीक है, तो ये आपका ब्रीडर का कंसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि आपके विखंडन योग्य पदार्थ या विखंडनीय पदार्थ होते क्या हैं और विलंबित न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको देखेंगे। थैंक यू।